नादा रखवाला वो शिव जी डमरुआ वाला जी डमरुआ वाला ऊपर कलास रहंदा भोलेनाथ जी। हेलो दोस्तों, मैं बिमल, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और मैं आज सोचा कि हर बार तो इंट्रोड्यूस अपने घर से ही देता हूँ, तो क्यों ना इस बार नेचर में साथ जा रहे हैं तो नेचर में ही अपना इंट्रोड्यूस दिया जाए। तो आज चल रहे हैं हम लोग महादेव की नगरी, मुर्गा महादेव, जो मेरे घर से लगभग है, डिस्टेंस है 130 किलोमीटर। तो चलिए और मिलते हैं आपको अपने वीडियो पे। थैंक यू, कीप वॉचिंग। और जर्नी की शुरुआत करते ही हम लोगों को मिल जाता है ये हरे भरे जंगल, जो इस जर्नी को और ज़्यादा खुशनुमा बना देती है। तो आइए चले देखते हैं और रास्ते पे चलते चलते आप लोगों को इसके बारे में बताते चलते हैं। और आप लोगों को पता ही है कि हम लोग जा रहे हैं मुर्गा महादेव, जो है उड़ीसा और झारखंड के बॉर्डर में स्थित और बहुत ही खूबसूरत स्थान है। और हम लोग अभी पहुंच चुके हैं हाथा मोड़, इससे हम लोग को राइट की ओर मुड़ना है, जो जाती है चाईबासा होते हुए नौमुंडी की तरफ। हाँ दोस्तों, चाईबासा पार करते ही आपको राइट साइड में एक रास्ता मिल जाती है, जिसका सीनिक व्यू बहुत ही खूबसूरत है। आप इस रास्ते पे जाइएगा तो आपको पता चलेगा ये रास्ता आपको कितना ज़्यादा एक्साइटेड करता है, और नेचुरल चीज़ जो है इतनी खूबसूरत लगती है कि आप उसको देखते ही रह जाओगे। इस रास्ते पे ये घाटी पड़ती है जो बहुत ही खूबसूरत है। आप जाएंगे तो ज़रूर इस जगह पर रुक के कुछ फ़ोटो क्लिक करें, ताकि ये बहुत मेमोरेबल रहे। और ये रास्ते बहुत ही खूबसूरत है, जो शब्दों में नहीं कहा जा सकता। नौमुंडी बाज़ार पार करते ही हम लोगों को लेफ्ट साइड में मिल जाता है एक रास्ता, जो टाटा का गेट मिलेगा, उससे होते हुए हमें आगे चलते जाना है, जहां मिल जाएगा हम लोगों को
श्री मुर्गा महादेव जी का टेम्पल। रास्ते के किनारे लाल मुरुम मिट्टी देखते ही आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अब हम लोग पहुंचने वाले हैं मुर्गा महादेव। और ये जो शहर है नौमुंडी, इसका मेंटेनेंस टाटा के द्वारा की जाती है, इसीलिए ये बहुत ही ज़्यादा नीट एंड क्लीन आपको मिलेगा ये शहर। जैसे ही टेंपल के आप करीब पहुंचते रहिएगा, थोड़ा आपको रास्ता ख़राब मिलेगा क्योंकि यहाँ माइनिंग का काम होता है, तो इसलिए यहाँ पर रोड का कंडीशन थोड़ा ख़राब है। रास्ते में आपको बहुत सारे श्रद्धालु मिल जाएंगे जो पैदल ही मुर्गा महादेव की यात्रा करते हैं। और चलते चलते दोस्तों हम लोग आ गए हैं झारखंड और उड़ीसा के बॉर्डर पर। और दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं मुर्गा महादेव के जो प्रवेश द्वार है वहां पर। इससे हम लोग को गाड़ी को आगे ले जाना है। अगर बड़े व्हीकल्स जैसे बस वगैरह है तो आप इसी गेट से अंदर जाते हुए राइट साइड में आप अपना पार्किंग कर सकते हैं। अगर आप कार वगैरह लेके आए हैं तो थोड़ा आगे भी एक पार्किंग है, वहाँ भी कर सकते हैं। अगर बाइक लेके आए हैं तो एकदम मंदिर के परिसर के आगे में छोटा पार्किंग है, वहाँ लगा सकते हैं। हेलो दोस्तों, हम लोग आ गए हैं मुर्गा महादेव जो शिव की, जहाँ एक वाटरफॉल है और वहाँ शिव की एक मंदिर है जो बहुत ही प्राचीन है और बहुत ही प्रसिद्ध है। तो देखते रहिए मेरे साथ। ये देखिए हम लोग गेट की तरफ घुस रहे हैं और गेट से घुसते ही एक नंदी है बहुत बड़ा सा, देखिए। और ये मेन गेट है मंदिर का और यहाँ से आप प्रसादी वगैरह ले सकते हैं। बहुत सारा स्टॉल बना हुआ है। ये मंदिर परिसर के अंदर जाते हुए झरने की आवाज़ यहीं से आ रही है। अब बहुत ही नीचे नीट एंड क्लीन है।
देखिए। भाई साहब क्या नज़ारा है, और सब वाटरफॉल का मजा लेते हुए। क्या खूबसूरत नज़ारा। ये देखिए मेन मंदिर। और दोस्तों हम लोग भी लग गए लाइन में भोलेनाथ जी के दर्शन करने के लिए। और यहाँ सब पूजा अर्चना करके निकलते हुए दोस्तों ये झरने की ये मान्यता है कि इस पे नहाने से स्किन से कोई भी रिलेटेड डिजीज़ जो है वो ख़त्म हो जाती है। हेलो दोस्तों, अगर आज का वीडियो मेरा पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।